अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या चाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको टर्की के वीज़ा का जितना भी हम आपको मालूम है बताने वाले हैं, और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि टर्की वीज़ा में आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर उसका वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, ताकि आपको वीज़ा हासिल करने में कोई परेशानी ना हो। और अगर आप खुद वीज़ा हॉस्पिटल में चाहते हो तो आप खुद भी वीज़ा हॉस्पिटल आ सकते हो। अगर आप किसी एजेंट से अप्लाई करवाना चाहते हो तो आप किसी ट्रैवल एजेंट से भी वीज़ा अप्लाई करवा सकते हो। तो इसकी तमाम जितनी भी डिटेल है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो से पहले आपको मैं टर्की के बारे में बता दूँगी। टर्की एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, और इस्लामिक कंट्री है, और अक्सरियत भी इस्लामिक है, गवर्नमेंट भी इस्लामिक है, और बहुत सारी मस्जिद की वजह से जो टर्की कंट्री है मशहूर है, और बहुत सारी आपको खूबसूरत मस्जिद वगैरह और दोस्तों आबाबाक है मज़ार शरीफ भी आपको वहाँ आप पर देखने को मिलेंगे। जो उसके अलावा जो टूरिस्ट कंट्री में माना जाता है ये जो टर्की है, वहाँ का जो सिटी इस्तांबुल है वो बहुत ही वहाँ पर जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं और विजिट वगैरह करते हैं, और बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट ऐसी भी है जिसपे आप जो नेचुरली तौर पर बहुत खूबसूरत है, और आप वहाँ खुद देख सकते हैं कि कितना रश वगैरह होता है अवाम का। तो बहुत सारी कंट्रीज है जो वहाँ पर विजिट करती है, बिजनेस वगैरह भी करती है, अपने बोटिंग भी ओपन की हुए है, बहुत ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलने वाली है आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हर नई नई वीडियो आपको आसानी से मिले। मैं टर्की का जो वीज़ा है वो बहुत ही आपको फ़ायदा देने वाला है, और इसकी जो वीज़ा की रिजेक्शन है वो बहुत ही कम हो रही है, और टर्की का वीज़ा आसानी से मिल रहा है सबको। जो भी वर्क परमिट अप्लाई कर रहा है वो वीज़ा उसको मिल रहा है, ठीक है। इसमें कोई रिजेक्शन वाली अभी तक तो कोई सिचुएशन नहीं मैंने देखी है, जिसने भी अप्लाई किया है टर्की का वीज़ा उसको मिल रहा है। वर्क परमिट 2 साल का मिल रहा है आपको, और अगर आप 2 साल पूरे करते हैं तो स्टेटेबल भी है, और वहाँ पर आप और भी काम कर सकते हैं। होटलिंग में बहुत सारे वीज़ा ओपन हुए हैं, बहुत सारी ये नहीं कि पाकिस्तान में और भी कंट्रीज है जहाँ पर टर्की वीज़ा दे रहा है, और पाकिस्तान में भी अच्छी खासी इसकी रेशो है, रेशो बहुत ही खूब अच्छी जा रही है। वो वीज़ा इसका अप्लाई करें, जल्दी देर ना करें, ताकि आप अगर ख्वाहिशमंद है जाने वर्क करने के वाले से तो आप आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं। और इसकी जो तनख्वाह की बात करें, जो इसकी सैलरी है वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख आप कमा सकते हैं, और इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है तकरीबन जो मैंने पूछा जो मुझे बताया गया तकरीबन 20,000 लीरे से शुरू हो रही है, ठीक है। तो अगर आप होटलिंग में चले जाते हो तो आपको खाना और रिहाइश की तो फिक्र ही नहीं है, क्योंकि कंपनी रिहाइश तो देती है। किसी भी कंट्री में आप जाते हो वीज़ा अप्लाई करते हो वर्क परमिट, तो रिहाइश तो आपको मिलती है, लेकिन खाने में थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन इसमें जो आपको सैलरी भी मिलती है और रिहाइश भी मिलती है और अकोमोडेशन फूड वगैरह सारा कुछ फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो ये वीज़ा आपको बहुत ही आपको फायदा देने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, और खुद अप्लाई करना चाहते हो तो नेट पर सर्च करके आप यानी कि वेबसाइट्स हैं उन पर सर्च करके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर किसी ट्रैवल एजेंट से अप्लाई करना चाहते हैं तो होटल वेटर वगैरह और भी कोई और भी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये बार वहाँ पर जो होटलिंग का काम है वो होटलिंग का काम तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर गया और देखा है होटलिंग का काम बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पर। हर कोई यानी कि जो जिसमें भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं वहाँ पर हर चीज़ उनको भैया होनी चाहिए, तो वो होटल वगैरह करती है भैया को, तो और बहुत ही रश और गेमों का भी वहाँ पर होती है। जो इसका इलाका है एक्सराइव वगैरह है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है, और वहाँ पर होटलिंग ही होटलिंग है, ठीक है, एविडल वगैरह हो गया, वहाँ पर बहुत ही रश होता है। अगर आप चाहें बहुत ही खूबसूरत प्लेसेज है ये वहाँ पर काम करने का, अगर आपको मौका मिल रहा है तो जल्दी करें, देर ना करें, आप अपना वीज़ा अप्लाई करें। और इसका जो रेट जा रहा है तकरीबन वर्क परमिट का रेट जा रहा है 7.5 से 8 लाख तक वर्क परमिट का रेट जा रहा है। अगर आपको इससे कम भी दे रहा है 7 लाख का दे रहा है तो आप जल्दी करें, अगर 7.5 लाख 8 लाख का भी दे रहा है आपको तो आप जल्दी से अप्लाई करें, देर ना करें, तो आपको आपके लिए फायदा साबित होने वाला है। इसके साथ ही वीडियो करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।